गली पर हफ्ते में सिर्फ दो बार ही जा पाता है, जिसकी वजह से जो गली में लेडीज हैं वो सुबह बाल्टी उठाती हैं और चौराहे पे डाल देती हैं। उसका कारण जब पूछा जाता तो वो यही बताते हैं कि हफ्ते में एक दिन या दो दिन ही हमारे पास गाड़ी आती है तो हम कूड़ा कहाँ रखे, बदबू आती है, स्मेल आती है, गंदी पड़ चुकी है काफी, इसलिए कूड़ा घर पे नहीं रखा जाएगा। तो इसके लिए संसाधन को मेरे वार्ड में जरूर बढ़ाया जाए। और मैं जब से आई हूँ मैं तब से इस बात को बोल रही हूँ कि मेरे वार्ड में संसाधन की बहुत कमी है। मैं लेटर भी लिख के दे चुकी हूँ लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और ना ही जो ट्रैक्टर आते हैं वो आए दिन खराब होते हैं, आज ये खराबी हो गई आज वो खराबी हो गई, तो वो रेगुलर आए, उनमें जो भी खराबी है वो ठीक हो। ड्यूटी पे आने से पहले गाड़ियों को क्यों नहीं चेक किया जाता, बाद में आकर ही क्यों बताया जाता कि आज ये प्रॉब्लम आ गई इस वजह से नहीं आया, जिससे कि कूड़ा जो रोज डेली उठना चाहिए वो नहीं उठता। हमारे ऑफिसों में इतनी पब्लिक आती है उनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, जो वार्ड में कर्मचारी काम करते हैं वो सिर्फ एक घंटे या दो घंटे ही नजर आते हैं। अगर सभी कर्मचारी चार या पाँच घंटे भी अगर लग के काम कर लें तो हम वार्ड में एक कूड़ा भी नहीं रहने देंगे। ये कमी कर्मचारियों की है, इसको आप जरूर दिखवाएं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक साल हो गया कर्मचारियों से हम लोग बहुत परेशान हैं, वो पीटों पे नज़र नहीं आते, क्योंकि मैं हर हफ्ते खुद ही दौरे पे रहती हूँ और हम जब वहाँ जाते बुलाया जाता है कि इस कर्मचारी को पीट पे बुलाओ जो यहाँ पे ड्यूटी पे है, तो वो दवाई लेने गया होता है या वो बीमार होता है, 100 बहाने बन जाते हैं। और जो स्ट्रीट लाइट है उसके लिए भी इतनी कॉल करनी पड़ती है तब तो जाकर कोई आता है, और उसमें भी बोला जाता है कि आज सामान नहीं है, आज लड़के नहीं है, आज ये नहीं, आज वो नहीं, रोज मतलब क्या, मैं हम क्या बताएं आपको कि हमें क्या क्या जवाब मिला मिलता है। या तो हम पूरा एक चिट्ठा लिख के डायरी बना सकते हैं पूरी लिख के जवाबों की। तो इन लाइटों में ये ना बोला जाए कि ये सामान नहीं है, सामान क्यों नहीं है इन लोगों के पास, या तो हमें बता दिया जाए, हम पब्लिक से बोलें कि आखिर, या तो वो लाइटें बिल्कुल हमेशा के लिए बंद कर दो। जो भी इससे सहमत हो एक्चुअली तो आज कला करके बताएं, क्या सामान ना होने की बात किन किन पार्षदों को कही गई है, सभी को कही जाती है, सभी को कही जाती है, सभी को ये सब कही गई है, सभी को कही जाती है, और सामान सब है पूरा अवेलेबल है, ऐसा किसी को कही गई होगी आपने? कोई भी लाइट 10 से 15 दिन से पहले ठीक ही नहीं होती, 100% लाइट के लिए। एक बार मैंने बोला कि मेरे कोई है वहाँ लाइट इतनी जरूरी थी, तो मैंने अपनी जेब से उन्हें 300 रुपए तार के दिए हैं कि हमारे पास तार नहीं है। ये नवंबर या फरवरी की बात, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी डेट भी अगर आप कहेंगे तो। आप लोगों ने सुना बहुत बहुत अच्छा।